नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज बात करते हैं महाराष्ट्र के महासंग्राम की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच में, शिवसेना के बीच में सीटों को लेकर इस वक्त महासंग्राम मचा हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना बीजेपी को 135 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। और इसको लेकर दोनों के बीच की अंदरूनी कलह इस वक्त साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र का महासंग्राम, बीजेपी शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर नाराजगी बरकरार। दोनों पार्टियां चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र में ठीक एक महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी भी राज्य की राजनीतिक पार्टियों के बीच सिर्फ उटौवल जारी है। राज्य में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर दरार पड़ने की अटकलें तब तेज हुई जब शिवसेना ने अपने मुखपत्र के एक संपादकीय में कहा था कि ज्यादा हवस तलाक का कारण होती है, जिस पर महाराष्ट्र बीजेपी ने शिवसेना के शब्दों पर नाराजगी जताई और शिवसेना की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि नपुंसकता भी तलाक की वजह होती है। सूत्रों की माने तो नपुंसकता का अर्थ कम सीट पर जीतने या हार से है। वहीं शिवसेना अभी भी बीच का रास्ता निकालने में लगी हुई है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के सामने अपनी बातें रख दी हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे का समाधान हो जाएगा। मैंने तो कभी ऐसा ऐलान नहीं किया मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र के दौरे पर, क्योंकि महाराष्ट्र मेरा घर है, अपना घर है, तो हमेशा मैं घूमते रहता हूँ महाराष्ट्र में। पिछले हफ्ते भी मैं गया था। अभी थोड़ी सी जैसे कि आपको पता है ऐलान तो हो चुका है और सारे लोग मेरे घर पर मैंने बुलाए हैं। हमारी अपनी सीटों की लिस्ट तैयार हो रही है और उसके बाद फिर से घूमना मैं शुरू करूंगा। उसमें गलत क्या है? यही सब बातें मैंने उनके सामने रखी हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अंतिमतः अच्छी बातें उसमें से निकलेंगी। चर्चा जारी है और मुझे विश्वास है कि जीती रहेगी। वहीं बीजेपी ने भी गठबंधन पर उठ रही अफवाहों पर ब्रेक की कोशिश की है और कहा कि गठबंधन में सबको साथ लेकर चला जाता है। जब दो दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और पुराने साथी हैं तो बहुत सारे विषयों पर वार्ता होती है और वो लकीर खींच के हम बातचीत नहीं करते। वो हमारे सहयोगी हैं, अटूट संबंध रहा है और इसीलिए आज हमारा जो प्रस्ताव है उसमें है कि मूल रूप से ऐसा प्रयास किया जाए जो छोटी और मजबूत हमारी सहयोगी पार्टियां हैं उनको कुछ सीटें देने के बाद जो सीटें बचती हैं वो सामान्य रूप से आधे आध बांटी जाए। लेकिन इस क्रम में चर्चा जारी है और कोई अगर अंतिम निर्णय होता है तो निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। वहीं विपक्ष पार्टियां भी बीजेपी और शिवसेना के बीच हो रही सीटों की लड़ाई पर अपनी राय देने में पीछे नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर नेता सीएम बनना चाहते हैं, उधर उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाहते हैं, उधर राज ठाकरे सीएम बनना चाहते हैं, जिस तरीके से इनका गठबंधन का चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन चल पाएगा। इनकी लड़ाई इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और ये गठबंधन जरूर टूटेगा, ये हमें लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो आईसीयू में है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए नहीं और इनमें आपस में बंदरबांट शुरू हो गई है कि किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। तो अभी लोगों ने इनको जनमत दिया नहीं, उससे पहले ही इन्होंने बंदरबांट शुरू कर ली है। तो महाराष्ट्र की जनता को ये फैसला करना चाहिए कि क्या उनको ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार लोगों के लिए समर्पित हो, लोगों के लिए काम करती हो, या ऐसे लोग चाहिए जो विधानसभा चुनाव से पहले ही बंदरबांट में पड़ गए हैं। तो दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक कभी अलग नहीं होंगे, लड़ेंगे फिर एक साथ रहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अलग हुए नहीं, ये हार जाएंगे बुरी तरीके से।
तो इसको हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। शिवसेना बीजेपी गठबंधन में इस तरह की खुली कलह की वजह से बीजेपी के वोट बैंक पर फर्क पड़ सकता है। जो लोगों का समर्थन नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में था, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का समाधान कब होता है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र की सियासत में महासंग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हो या फिर बीजेपी और शिवसेना का, दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि दोनों के बीच की जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ गई है, और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस समर्थक डेनियल फ्रांसिसी जुड़ चुके हैं। इसी के साथ बीजेपी नेता दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले दिनेश जी, आपका रुख में करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी ने शुरू से लेकर अब तक एक नारा दिया है, सबका साथ और सबका विकास। क्या लगता है जो कल है बीजेपी और शिवसेना के बीच सामने आ रही है, नरेंद्र मोदी का क्या रुख होगा या बीजेपी क्या कदम उठाएगी शिवसेना से सीटों के बंटवारे को लेकर? अंजलि जी, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी जब भी गठबंधन होता है किसी दल से, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से गठबंधन धर्म को निभाने की पूरी कोशिश करती है। शिवसेना के साथ पहले हमारा गठबंधन था, आज हमारा गठबंधन है और आगे भी हमारा गठबंधन होगा। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। अभी जो कुछ मीडिया में आ रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, जब दो लोग चर्चा करते हैं, परिवार के दो सदस्य बैठते हैं, चार दस सदस्य बैठते हैं, तो कोई चीज ऐसे होती है, किसी मुद्दे पे सहमत बनाने में थोड़ा समय लगता है। सरकार तो बहुमत से चलती है, लेकिन पार्टी और गठबंधन हमेशा, अंजलि जी, सहमत से चलता है। आप एक परिवार के सदस्य हैं, अपने परिवार में आपको कोई सहमत बनानी पड़ती है, दो बहनों के बीच सहमति बनानी होती है, दो भाइयों के बीच सहमति बनानी होती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आप निश्चित तौर पर देखेंगे कल सहमति बन जाएगी और जो परिणाम होगा वो सकारात्मक परिणाम होगा, सुखद परिणाम होगा, सबके सामने होगा। जी चलिए, दुर्गेश उपाध्याय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप कितनी सहमति रखते हैं दिनेश जी की बात से? क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ सहमति दोनों पार्टियों के बीच होगी या फिर कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह ऐसे कहा जा सकता है, जिस तरीके से पार्टी की सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही अपना जो रुख है वो कड़ा अख्तियार करे हुए हैं इस वक्त? देखिए अंजलि, इसमें दो बातें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए। एक तो ये कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो लगातार जो बयानबाजी हो रही है, अभी हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को सुन रहे थे कि भाई जो छोटे दल हैं, आरपीआई हो गया और स्वाभिमान पार्टी, इनको जो परसेंटेज है उसको निकालने के बाद आधा आधा का बंटवारा होगा। अब उधर जो है, इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह का रुख जो है अख्तियार किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो तालमेल बनाने में कहीं कोई जरूर थोड़ी बहुत जहां दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि बिल्कुल दोनों एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और कहीं भी ये टूटन नहीं होने वाली है मुझे लगता है। और हाँ, ये निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि अब आखिर जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो ये थोड़ा सा विवाद खड़ा हो गया है, ये कहां जाकर के ठहरता है, इसका हल क्या निकलता है? जी चलिए डेनियल फ्रांसिस जी, आपका रुख करती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हल निकलेगा, क्या लगता है कि दोनों का जो गठबंधन है वो टूटेगा या फिर जैसा कि आपके और एनसीपी के बीच में भी, माफ कीजिएगा, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी इस वक्त कहीं ना कहीं तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी का जो गठबंधन है शिवसेना के साथ, उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को या फिर नुकसान होगा? इस गठबंधन ने पिछले 30 सालों से, बहुत पुराना गठबंधन है, और अगर आप देखें तो 30 सालों से, ये 3 दशकों से जो चलता आ रहा है जो गठबंधन, उसने सरकार सिर्फ एक ही बार बनाई थी और उन्होंने हमेशा कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ 1999 से इलेक्शन लड़ा है और जीते एक भी बार नहीं है। तो चाहे ये गठबंधन रहे या ना रहे, इससे हमको कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर आप हमारी बात करें कि हमारे निगोसिएशंस कैसे जा रहे हैं, अगर आपने उद्धव जी का सामना 2 दिन पहले पढ़ा होगा कि उन्होंने कैसे वक्तव्य बीजेपी के बारे में किए हैं और बीजेपी ने उनके बारे में किए हैं, तो हमारे जो निगोसिएशंस हैं वो 2 दिन में कंप्लीट होने वाले हैं और यह कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन साथ आकर काम करेगा और चुनाव भी लड़ेगा और चुनाव भी जीतेगा। जी। जो उद्धव जी को हर रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को खड़ी खोटी सुनानी है, वैसा हमारा कुछ नहीं हो रहा है और जनता ये देख रही है, और ये सब देखने के बाद जनता को पता चलने वाला है
ये गठबंधन हमको कैसी सरकार दे सकता है, अभी इनके इतने झगड़े हैं, तब जब सरकार बनेगी तब ये कैसी सहमति। और ये जो दिनेश जी बोल रहे हैं कि भाई बहन, बहन भाई, राजनीति एक एक परिवार के जैसा नहीं होता है कि भाई बहन ने समझा दिया ये वो, एक पॉलिटिकल रियलिटी है जिससे ये दोनों पार्टियां कोई भी उनको जानकारी नहीं है। और जो बीजेपी का जो रुख है, ये बड़े भाई का रुख, ये अभी शिवसेना को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और शिवसेना इस गठबंधन से शायद बाहर ही निकल जाए और बीजेपी को अकेला छोड़ दे। जी, बस इनके एक सवाल पर देखिए, यही अंतर है, यही विचारधारा का अंतर, इसी को कहते हैं। हमारे डेनियल साहब कह रहे हैं कि पार्टी कोई परिवार नहीं है। देखिए मित्र, पार्टी जो है ना परिवार है, पूरा देश एक परिवार है। अगर सामना में लिखे गए आर्टिकल को देखा जाए तो एक भाई दूसरे बहन के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लोग, आप पार्टी के परिवार से कह रहे हैं कि डिवोर्स हो जाएगा, क्या भाई और बहन में डिवोर्स होता है क्या? बीच में बोलने का यही मैं कह रहा, थोड़ा सा सीखिए, सलीका सीखिए भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूँ अंजलि जी, अंजलि जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को एक परिवार समझते हैं, पूरे देश को एक परिवार समझते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार। लेकिन दिनेश जी, नहीं अंजलि जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। इनका अंतर है, ये कह रहे नहीं वो परिवार नहीं होता है, हम राजनीतिक क्षेत्र, अगर हम राजनीति में आ जाते हैं तो परिवार तोड़। आप पार्टी को, आप सरकार को लिमिटेड कंपनी समझते हैं, ये आपकी मानसिकता, और आपने करके दिखाया। आपके यहां डिक्टेटरशिप चलती है, आपके यहां जो है डील होती है, आपके यहां एक व्यक्ति का राज चलता है, और हमारे यहां पार्टी हमारा परिवार, इसलिए सहमत बनाने का काम होता है। और जो चर्चा आप कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं नहीं मुझे इतनी सीट दे, देखिए जब दो पक्ष बैठता है किसी बातचीत के लिए, परिवार में दो सदस्य बैठते हैं तो अपनी बात रखते हैं और दूसरा परिवार का सदस्य अपनी बात रखता है, तभी तो बीच में परिवार की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। डिक्टेटरशिप हो, परिवार की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। जो आज उद्धव जी ने किया है, आज उद्धव जी ने किया, जैसे हम लोग सुदर्शन न्यूज में बैठे हैं, कोई सीएमडी एक आदेश दे दे वो मानना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी परिवार में होते हैं तो वहां डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, परिवार सहमत से चलती है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन को सहमत के आधार पर चलाना चाहता है। आप कल देखिएगा, निश्चित तौर पर सहमति तो आपकी बन जाएगा कल। और सुनिए, आपको अपनी चिंता नहीं हो रही डीनियल साहब को? आप कह रहे हैं कि हमने, आप निश्चित तौर पर, अंजलि जी आपके माध्यम से डीनियल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी अभी चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा शासन आपका रहा है, आपको दो सीटें मिली हैं और आपके सहयोगी एनसीपी को चार सीटों पर संतोष करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 42 सीटें गठबंधन को मिली है, 50.2% वोट शेयरिंग वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को मिला और यूपीए को 34.1%। अब भी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का कोई वजूद। मेरे मित्र, आप गफलत में रहिए, अच्छी बात है। दिनेश जी, सवाल इस वक्त ये नहीं है, सवाल इस वक्त ये है कि महाराष्ट्र में जो महासंग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है उसका क्या होने वाला है, भविष्य में दोनों का गठबंधन जो है वो कहां जाने वाला है। इस वक्त हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी, अगर बात परिवार की है, आपकी बात को हम बड़ी करते हैं और मानते हैं कि बात परिवार की है, आप शिवसेना का गठबंधन है 25 साल पुराना, फिर शिवसेना की ओर से टिप्पणी क्यों की जा रही है, नरेंद्र मोदी की लहर को सिरे से नकारा है? सिर्फ शिवसेना नहीं, यही तो गठबंधन हम कह रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो नहीं, और नहीं, पार्टी नहीं, है। जिस मोदी लहर की बात की जा रही है पूरी बीजेपी की ओर से कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और उसका फायदा विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा, उसे सिरे से नकारा है? नहीं, निश्चित, देखिए उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने कहा है कि कहीं भी मोदी लहर नहीं है, अगर जो भी राज्य के राज्य में उपचुनाव हो रहा है। खुद अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी लहर पे आप डिपेंड कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही है। आप देखिए तो हम छोटे दलों को भी सीट देने की बात कर रहे हैं, टिकट देने की बात कर रहे हैं समझौते में, जो हमारे अलायंस हैं। भारतीय जनता, यही गठबंधन की खूबसूरती है कि हम दो बड़े दल हो गए हैं तो हम आपस में सीटों का बंटवारा कर लें और जो हमारी छोटी अलायंस पार्टियां हैं हम उनको नजरअंदाज कर लें। भारतीय जनता पार्टी का चले दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, टिकट दे दी जाए, फिर जो बस्ती आधी आधी सीटों पर हम लड़ लेंगे, ये सहमति बन जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। जी चले दिनेश जी, देखना होगा कि कल सहमति बन पाती है क्या। अभी जो भी कोई जो भी निकलकर सामने आएगा वो सबके सामने होगा कि किन किन कितनी सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के बीच सहमति बनेगी। और दुर्गेश जी आपका रुख करती हूँ, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो कलह है वो सामने आई है,
लगातार उद्धव ठाकरे की ओर से बयान किए जा रहे हैं कि जो मोदी लहर की बात की जा रही थी वो कहीं भी राज्यों में देखने को नहीं मिल रही है, उसे किस तरीके से लिया जा सकता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो महत्वाकांक्षाओं का है जी। शिवसेना और बीजेपी, जैसा कि डैनियल जी कह रहे थे कि पिछले जो है 15 सालों से सत्ता से बाहर है, कांग्रेस की वहां सरकार बनती रही है और ये गठबंधन जो है काफी पुराना है। अब जबकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक लीडिंग पोजिशन में है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये विधानसभा के जो चुनाव है उनमें वो अपनी तरह से उसको डील करना चाहती है। जो उनकी परंपरागत जो सहयोगी है शिवसेना, वो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं आदित्य ठाकरे, वो मिशन 150 पे जो है एक अपना पहले से ही काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो विवाद है वो 15 सीटों पर जो है सीट शेयरिंग में जो है आपस में तालमेल ना बन पाने की वजह से हो पा रहा है। दुर्गेश, एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि ये कहा गया बीजेपी की ओर से कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री उसका होगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो दाव पेच खेला जा रहा है वो कुर्सी के लिए चल रहा है। निश्चित रूप से ये जैसा कि मैंने कहा कि जो लड़ाई है, लड़ाई नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ा यहाँ मैं डैनियल जी की बातों से थोड़ा सहमत होना चाहूंगा कि ये सब बातें जो हैं वो अंदर अगर होती तो बाहर न निकलती। उद्धव ठाकरे जी अभी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको कोई भी नहीं सराहेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है बहुत पुराना है, तो उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए जो भी बातें हैं, दिनेश जी की बात भी बिल्कुल अपनी जगह सही है कि दो पक्ष जो है अगर परिवार की तरह रह रहे हैं, लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ हैं, तो बातचीत का ये तरीका नहीं होता है। अगर ये तरीका है तो जिस तरह से मीडिया में उसको भाई सामना वाला लेख जो है वो प्रचारित किया जा रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी रूडी जी का बयान हमने सुना, उद्धव ठाकरे जी लगातार एक एडमिंट होकर के, एक दृढ़ होकर के एक जो है अपनी लगातार बातें कह रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि आखिर क्या इसका नतीजा क्या निकलता है। जी वाकई ये देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है, बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है वो बहुत पुराना गठबंधन है। दिनेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से बार बार नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की बात की जा रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही की पार्टी के अंदर से इस वक्त ये आवाजें उठ रही हैं कि उद्धव ठाकरे का जो बयान है उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया जा रहा है, ये आप ही के पार्टी की? नहीं नहीं, इसमें नरेंद्र मोदी का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठा। और बात उन्होंने मोदी लहर की किया, उन्होंने आप लोग बार बार कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी की लहर है, मोदी लहर है, और उसे सिरे से नकारा जा रहा है शिवसेना की ओर से। निश्चित तौर पर अंजलि, देखिए ये नहीं है, आप देखिए कि इसके पहले 2009 में जो समझौता हुआ था, भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर लड़ी और शिवसेना 161 सीटों पर लड़ी, और उसमें कम सीटें होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर विजय श्री हासिल की और शिवसेना जो है 44 सीटों पर। तो इसमें हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाण? अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें, निश्चित भारतीय जनता पार्टी की लोग नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश आज स्वीकार कर रहा है कि निश्चित तौर पर देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की लहर, इससे कौन इंकार कर सकता है। और जिसकी चर्चा अभी डैनियल साहब कह रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र में जो है इनका ही शासन रहा है, वहां पर ये साफ हो गए, दोनों गठबंधन मिला के आप सिर्फ इकाई में रह, छह में रह गए, मतलब दो सीटें आपको मिली, ये अफसोस की बात होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो मोदी जी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसका जो शुरुआत हुआ है, आप देखिएगा उस अभियान की अगली कड़ी जो है महाराष्ट्र होगा। आप चर्चा कर रहे थे, एक बात आपने सवाल उठाया था कि उसकी लहर आपको प्रदेश के चुनाव में नहीं दिख रही है, अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं जनता जानती है, जैसे आप बिहार का उदाहरण देते हैं, जनता जानती है कुछ एक दो सीटों से कोई वहां के बिहार की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होना, उत्तराखंड की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होना, लेकिन जब राज्यों का चुनाव होता है जहां उस राज्य का भविष्य होता है, तो महाराष्ट्र की जनता के सामने आदर्श का आदर्श घोटाला जो है, आदर्श वो आदर्श है, वहां का जो सिंचाई घोटाला है वो एक आदर्श है, वहां का जो किसानों ने आत्महत्याएं की है वो आदर्श है, वो सारा संज्ञान उनके ध्यान में है। मेरी तो एक राय सिर्फ कांग्रेस के मित्रों से है, श्राद्ध का महीना चल रहा है, जो आत्महत्याएं होती हैं, जो हत्या होती है, जो मृत्यु होती है, उसके लिए लोग तर्पण करते हैं, इस श्राद्ध के समय में कांग्रेस साथियों के लोगों को मेरा सुझाव है कि जरा जाके तर्पण करें और उनकी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करें तो शायद कुछ हो जाए, वैसे होने वाला कुछ नहीं है।
चले चले दिनेश जी, दिनेश जी आपको क्या लगता है कि जो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव चल रहा है उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? नहीं, उसका कारण में जाना पड़ेगा। असल में उसके नेपथ्य में जब आप जाएंगे अंजलि जी, तो आप देखेंगे नहीं, जिस तरीके से संकेत दिए गए हैं कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर एनसीपी नहीं 144 सीटें देने के मूड में, 144 सीटों की एनसीपी लगातार मांग कर रही है 288 में से, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए स्वाभाविक, देखिए एनसीपी अभी जो हाल में चुनाव हुआ मोदी लहर के बावजूद चार सीटें जो है एनसीपी ने जीती और मात्र दो सीटें कांग्रेस ने जीती। अगर उनका देखिए, वो उनका समझौता है, ये हमारे पर टिप्पणी कर सकते हैं कितनी सीटें, लेकिन मुझे जो आपने चूंकि मुझसे प्रश्न पूछा है, मुझे जो लगता है कि चूंकि एनसीपी ने ज्यादा सीटें जीती है, आप आधा नहीं, आप पूरी सीटें दे लीजिए, आप एक साथ लड़ लीजिए, आप महागठबंधन बना लीजिए, लेकिन आप इकाई से अगर दहाई में महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो आप बताइए। इसको शरद पवार को भी पता है और इसको हमारे कांग्रेस के साथ, वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है जो घास की रोटी खा के अपने स्वाभिमान की रक्षा किए थे, वहां तो पृथ्वीराज चौहान जी उस आदर्श को भी नहीं स्थापित कर पाए। इसलिए बहुत अंतर है दोनों में। आज मोदी जी के लहर या मोदी जी के सुशासन या मोदी जी जिस तरह से हम लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं, आप परिवार की राजनीति। फ्रांसिस जी, विकास की राजनीति करने की दिनेश जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि विकास के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एक पूर्ण बहुमत मिला था और करारी हार कांग्रेस की हुई थी, तो वही विधानसभा चुनावों में भी दोहराया जा सकता है? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव ये दो अलग अलग चुनाव होते हैं। पिछले बार जैसा हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा था उस परिस्थिति में भी हमने कर्नाटका का चुनाव जीता था। ओके, उन्होंने ये सारे मुद्दे बीजेपी ने तभी भी उठाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनको वहां पर कोई फायदा हो गया। लोकसभा में जो हवा चली थी, जो इन्होंने प्रोपोगंडा किया था, जो झूठ का ये हवा जो फैलाई थी, उसका परिणाम सारे देश में दिखाया गया, रिजल्ट कुछ अलग आया। लेकिन जब आप देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो 1999 अक्टूबर में वाजपेयी जी का लोकसभा चुनाव हो रहा था और महाराष्ट्र में वहीं पे असेंबली का चुनाव हो रहा था, साथ साथ में हो रहा था, तभी शिवसेना बीजेपी की सरकार भी वहीं पर थी, लेकिन एक बैलेट पे लोगों ने शिवसेना बीजेपी को वहां से हटा दिया और दूसरे बैलेट में लोगों ने वाजपेयी जी की सरकार को चुन लिया, तभी पहली बार शिवसेना और अपना कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बना। तो ये, और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो ऐसे कोई वेव पे काम नहीं करता, वहां पे शिवसेना और बीजेपी का पश्चिम महाराष्ट्र में और मध्य महाराष्ट्र में जो बेस है वो काफी वीक है, जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती है। महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है और जो काम महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने इतने सालों में किया है, उसका काफी फायदा हमको आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र राज्य में होगा। तो जो ये जो मोदी जी की लहर, दूसरी बात है कि मोदी जी की लहर को तो उद्धव ठाकरे जी खुद खारिज कर रहे हैं। अमित शाह ने खुद कहा पिछले हफ्ते कि आप मोदी जी पे ऊपर डिपेंड मत कीजिए जब आप महाराष्ट्र में इलेक्शन के जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि हवा खत्म हो चुकी है, महंगाई वगैरह सारे ये जो चीजें हैं वो कम नहीं हो रही है। आज ही आई है, तो थोड़ा अप टू डेट हो गया, आज ही आई है कि 5 साल में सबसे कम महंगाई दर जो है आज दिखाई गई है, अभी भी इनको महंगाई कम हो रही नजर नहीं आ रहा है। मैं ये सिर्फ कहना, आप हमारे साथी अभी डेनियल जी कह रहे थे कि जो केंद्र में जो सरकारें काम करती हैं, जो राज्य में जो सरकारें होती हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता है, चुनाव का एजेंडा अलग होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये परिवर्तन का दौर है, ये परिवर्तन की राजनीति है। अंजलि जी, आज आप अगर केंद्र की सरकार जैसे अगर उसी पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ता है। आज जो राज्य सरकारों में आपका सुपड़ा साफ हुआ, आज बहुत दिनों से आप महाराष्ट्र में सत्ता में थे, अगर यह असर न पड़ता, कांग्रेस के कुशासन का असर न पड़ता और आपके दुशासन का असर न पड़ता, कुशासन करके आपने लूट न की होती और दुशासन के नाम पर चीरहरण न हुआ होता, तो शायद महाराष्ट्र में आपको दो सीटों से संतोष न करना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसा भी केंद्र करेगा उसका प्रभाव निश्चित तौर पर राज्य सरकारों पर पड़ता है। लोग उदाहरण देते हैं कि जाकर छत्तीसगढ़ की सरकार को देखिए, आप मध्य प्रदेश की सरकार देखिए, आप गोवा की सरकार को, आप भारतीय जनता पार्टी के शासन के लोग उदाहरण देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार भी देखिए, आप कर्नाटक की निश्चित तौर पर जितने दिन हम थे आप देखिए, यही बात हिमाचल में कही थी और यही पर उसी का परिणाम और उसी का परिणाम कही थी और डेनियल साहब उसी का परिणाम हुआ कि आपकी सरकार बनी लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ। आप जिस लहर को नहीं समझ पा रहे थे, आप पूरे देश में सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने का गौरव आपको था, आप 44 पर सिमट गए। और मोदी जी ने एक चीज कहा था, आपको याद होना चाहिए, कि बहुत से ऐसे राज्य होंगे
जहां कांग्रेस इकाई के अलावा दहाई में नहीं जाएगी और बहुत से राज होंगे जहां खाता नहीं खुलेगा। तो आप देख लीजिए, आप इकाई से दहाई नहीं का और महाराष्ट्र में मैं कह रहा हूं आपके आला ही आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, महाराष्ट्र में भरोसा नहीं कर रहे, हमारे ऊपर भरोसा कर रहे क्या आपके साथ जा रहे हैं? लेकिन दिनेश जी, जिस तरीके के हालात इस वक्त महाराष्ट्र में बने हुए, दोनों अंदरूनी कलह का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर मिल सकता है इस वक्त। हम कह रहे हैं अंजलि, अंदरूनी कलह नहीं है, आप अपनी बात को जब रखते हैं, देखिए दो चीजें होती है ना चुनाव के, हम ये नहीं मानने को तैयार, हम ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस की, कांग्रेस भी ये सोचेगी ना, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारा वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है और हर पार्टी चाहती है कि हम सरकार बनाएं, सारी पार्टियां चाहती हैं। तो आप कैसे परिभाषित करेंगे जो इस वक्त कांग्रेस और शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना के बीच जो कुछ तनातनी, आप हमको एक स्टेटमेंट बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हो, जो इस समय नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन लगातार साथी हैं अंजलि जी, वो शिवसेना के किसी साथी से पूछा जाए तो बेहतर ढंग से वो उनका दृष्टिकोण होता है। लेकिन दिनेश जी, उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा, आपको क्या लगता है कि जो अंजलि जी, जब ऐसा होगा तब, अगर आप कहते हैं कि भविष्य में ऐसा अगर हुआ तो उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़े, कांग्रेस उसका लाभ उठाएगी, लेकिन ऐसा भी आपको कहां हुआ? आप ऐसे हवा में तीर न चलाइए। आपको लगता है कि सहमति बन जाएगी दोनों पार्टियों के बीच? निश्चित तौर पे, हमारा सबसे पुराना अलायंस है, एक विचारधारा, हमारे यहां डील नहीं हो रही ना, हम एक विचारधारा के साथ, एक एजेंडे के साथ हम चलना चाहते हैं। हम पहले भी चुनाव लड़े हैं, हमारा सबसे पुराना गठबंधन है शिवसेना के साथ, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी तरफ से किसी भी गठबंधन को, हम आप उदाहरण ले लीजिए बिहार का, क्या हमने जेडीयू के साथ गठबंधन तोड़ा? लेकिन जब से गठबंधन से गए उनका क्या हाल है? उनके मुख्यमंत्री जी प्रत्येक बयान कर रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, कभी भारतीय जनता पार्टी। चलिए 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 चलिए, आपसे आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस सब पर। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पूरे सीट शेयरिंग के इस इशू को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि दिनेश जी कह रहे हैं कि एक पुराना गठबंधन है और उस गठबंधन धर्म का पालन मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां करेंगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और जो है शिवसेना भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के बयान आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहे तो निश्चित रूप से एक जो है निगेटिव मोमेंटम क्रिएट होगा और वो दोनों ही पार्टियों के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि होता यह है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में थोड़ा अंतर होता है। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और वहां पर कांग्रेस जो है अभी शासन कर रही है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो है एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ हो, लेकिन ये आगे चलकर के देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, आपस में तालमेल बना करके इस जो इस मुद्दे का समुचित हल नहीं निकालती हैं तो मुझे लगता है कि फिर आगे आने वाले दिनों में परेशानी होगी, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, मतलब इसकी काफी संभावना है दोनों ही पार्टियों के बीच। तो दिनेश जी, आप क्या कहेंगे कि अगर सहमति बनी और सहमति के बाद किस तरह का दोनों ही पार्टियों के बीच जो है वो देखा जाएगा? अंजलि भी, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती, इसलिए हम अपने आप को पार्टी भी डिफरेंस कहते हैं कि हम आपस में बैठते हैं, बैठ के सलाह मशविरा करते हैं, एक बार बैठते हैं, दो बार बैठते हैं, चार बार बैठते हैं, हम सहमत बनाने का प्रयास करते हैं। हम यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हमारे यहाँ तीन साल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं और दूसरी पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं उनके यहाँ तो कोई परंपरा ही नहीं, एक परिवार की पार्टी है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज जो घबराहट है, आप एनसीपी और कांग्रेस के आप स्टेटमेंट देखिए, आप हमारे ऊपर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं शिवसेना के, हम कह रहे हैं कि इनके मंत्री हैं कैबिनेट, उनके मंत्री हैं वहां पर पतंग राव कदम, उन्होंने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस को मर्ज हो जाना चाहिए, वो सलाह दे रहे हैं क्योंकि हम अकेले हमारे और नहीं, आप उनको अब उनके नेताओं के जब स्टेटमेंट आया, वो मंत्री हैं, वहां सरकार में मंत्री हैं, वो फॉरेस्ट मंत्री हैं, आप उसको जंगल में आग लगाने का काम फॉरेस्ट मंत्री होकर वो कर रहे हैं, पतंग जी के सवाल को आप पतंगबाजी में उड़ा दिए, लेकिन उनका ये कदम तो आपके लिए भी आत्मघाती है और एनसीपी के लिए भी आत्मघाती है। तो इसलिए आप उनके द्वारा और आपके द्वारा, अभी नहीं, चार दिन के पहले का स्टेटमेंट, और उस बात को आगे अगर आपको ध्यान हो तो आपके मुख्यमंत्री ने बात को आगे बढ़ाई लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नहीं, उन्होंने इंकार किया। और इसलिए मेरी सलाह है कि मित्र, हमारा गठबंधन कायम था, कायम है और कायम रहेगा। आप देखिएगा, आप अपनी चिंता कीजिए कितनी सीटों पर दोनों ही पार्टियों के बीच सहमति बन पाती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और 135 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच इस वक्त तनातनी देखी जा सकती है। फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौट। चलिए
प्राइम टाइम में हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र में महासंग्राम की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी इस वक्त देखी जा सकती है, और वही तनातनी एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है इस वक्त कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच तनातनी एक महसूस की जा सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस इस वक्त चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी को भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही पार्टियों के बीच कितनी सीटों पर सहमति बन पाएगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र का महासंग्राम, कांग्रेस एनसीपी में भी सीट बंटवारे पर घमासा, दोनों पार्टियां झुकने को तैयार नहीं। क्या अकेले ही चुनावी दंगल में लड़ना चाहती हैं पार्टियां? महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच घमासान जारी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस के जनाधार पर एनसीपी का भरोसा उठता नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत एनसीपी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के अंदर खाने से तो ये भी खबर है कि अगर सीटों पर सहमति नहीं बनी तो कांग्रेस प्रदेश में अकेले ही चुनावी जंगल में ताल ठोक देगी। कांग्रेस में एनसीपी में सीटों पर खींचतान के अंजाम को अभी संभावनाओं के चश्मे से ही देखा जा रहा है, लेकिन सहमति बनने के बाद भी दोनों दलों में तनातनी रहने की आशंका है। दरअसल सीटों की संख्या तय होने के बाद असल खींचतान शुरू होगी। इस बात की जोरदार संभावना है कि कौन सी सीट किस दल के पास होगी। इस मसले पर कांग्रेस एनसीपी फिर भिड़ेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अपने चुनाव लड़ने का फैसला वो खुद लेंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी सुरक्षित सीट की जरूरत नहीं है। चौहान ने कहा कि अगर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सत्ता में लौटा तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि एनसीपी के साथ 90 से 95% सीटों पर सहमति बन गई है। थोड़ी सी सीटों पर मतभेद है जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। समान विचारधारा कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है, वहाँ कोई मतभेद नहीं है। मतभेद जीत की संभावना वाली सीटों को लेकर है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर विवाद की खबरें चल रही हैं। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का युद्ध कब खत्म होता है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच कितनी सीटों पर सहमति बन पाती है। आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना के बीच भी सीटों को लेकर तनातनी जो है वो देखी जा सकती है, और वही एनसीपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए दुर्गेश जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर महसूस किया जा सकता है, उससे क्या निकलकर सामने आता है? क्या वाकई जिस तरीके से अभी आपने देखा कहा जा रहा है, अंदर से खबर मिल पा रही है, पार्टी की अंदरूनी खबरें इस तरह की आ रही है कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है अगर एनसीपी के साथ जो सीटों का बंटवारा है उस पर सहमति नहीं बन पाती है इस वक्त? आप देखिए, ये जो मसला है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इस वक्त जो है शिवसेना और बीजेपी के बीच हो रहा है। और ये अभी मुझे लगता है कि जो सीट शेयरिंग का जो इशू होता है इसमें बैठ करके कई दौर की बैठकें होती हैं, और जैसा कि अभी हम लोग आपकी रिपोर्ट में भी सुन रहे थे कि 90 से 95% सीटों पर जो है वो एक सहमति बन चुकी है, लेकिन जो 5% जो सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक उलझाव है, तो मुझे लगता है कि उस पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही होगी। और ये कहना जल्दबाजी होगी कि गठबंधन टूट जाएगा और कांग्रेस सारी सीटों पर अलग लड़ेगी और एनसीपी अलग जाएगी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इस पर कमेंट करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी निगोशिएशन का दौर चल रहा है और पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह की बातें कही हैं या शरद पवार जी ने जिस तरह की बातें कही हैं, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष बैठ करके आपस में बात विचार कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद अब जो है वहां पर विधानसभा के चुनाव में अब ये इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि निश्चित रूप से एक एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव है इस पर होने वाला है इस सत्ता दल पर। तो अब आपस में अगर मिलजुल करके और एक आम सहमति नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से गठबंधन को, कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को नुकसान होगा। जी दिनेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह की हलचल इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस दोनों के बीच में देखी जा सकती है, क्या वोट बैंक पर उसका कोई असर पड़ने वाला है?
जैसे दुर्गेश जी ने कहा, हमारे सारे निगोसिएशन एक एडवांस स्टेज पर है और हमारे सारे प्रॉब्लम और जो हमारे सारे असहमतियां हैं वो क्या लोगों के सामने हमने जैसे शिवसेना बीजेपी का मसला है वैसा नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है 1999 से हमारे ये गठबंधन जीतते आया है, काम करते आया है। ये परिस्थिति में हम पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार चौथी बार है। तो जो हमारा और ये एक नेचुरल अलायंस है महाराष्ट्र में, तो इससे वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा जो वोट बेस है वो इंटैक्ट रहेगा और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में हमारे ऊपर पॉजिटिव ही होगा। जी, तो आपको लगता है कि जो गठबंधन चला आ रहा है एनसीपी और कांग्रेस के बीच, वो गठबंधन जारी रहने वाला है विधानसभा चुनावों के दरमियान? हाँ, वैसे ही होगा जी। और पूरी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जी मानकर चला जाए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट देखने को मिला था उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो घबरा गई है, इस तरह की खबर मिल पा रही थी, और इसी को देखते हुए एनसीपी के साथ ही गठबंधन रखा जाए? ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेस घबरा गई है, एनसीपी घबरा गई है। ये क्या पहली बार नहीं है कि कांग्रेस चुनाव हारी है लोकसभा का और उसके बाद रिकवर नहीं हुई है। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन कर लिया गया आरजेडी जेडीयू के साथ, जिस तरीके से जिस लोकसभा सीटें मिली थी कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं अपनी खोई जमीन वापस बचाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर? कदम उठ रही क्या, ये हमारा अलायंस तो पहले से था जी, ये कोई नया अलायंस नहीं है। नहीं, जिस तरह से टूटने की खबर जो मिल पा रही है कि एनसीपी राजी और आपकी भी सहमति नहीं बन पा रही है सीटों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जाए कि अगर एनसीपी से गठबंधन टूटेगा तो उसका नुकसान आपको? ये सारी चीजें अभी वरिष्ठ स्तर पर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच ये बातचीत हो रही है और ये दो दिन में ये बातचीत पूरी होने वाली है, इसका आश्वासन वरिष्ठ स्तर से कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने दिया है। दो तीन दिन में ये सारा मसला लोगों के सामने आ जाएगा और चुनाव की घोषणा तो हो ही गई है, जो उम्मीदवार है उनके नाम की घोषणा हो जाएगी और पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे। दिनेश जी, क्या लगता है कड़ी टक्कर बीजेपी को देने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो चलने वाला है? अंजलि जी, जब कोई व्यक्ति डूबता रहता है तो वैसे व्यक्ति के सहारे को खोजता है जो ना डूब रहा हो, जो उसको निकाल ले। या कोई नाव अगर डूब रही है तो ऐसे ही नाव उसको निकाल सकती है जो खुद ना डूब रही हो। आज कांग्रेस और एनसीपी की ये हाल है कि दोनों डूबते हुए नाव है, डूबते हुए जहाज हैं, एक दूसरे को कैसे बचा, बल्कि डूबने में थोड़ा और ज्यादा सहायक हुए। अगर 5 मिनट में डूबने वाले हैं तो 2 मिनट में डूब जाएंगे, ये स्थिति हो गई है। इनका गठबंधन जो कह रहे हैं कि विचारों का, ना तो इनका विचारों का गठबंधन है, इनका ये ठगबंधन है। इन्होंने जो केंद्र में रहते हुए देश को ठगा है, जो महाराष्ट्र में इन लोगों ने ठगा है इतने दिन, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इनकी स्थिति महाराष्ट्र में आप आज जो है वो सांप और छछुंदर की हो गई है, ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर शरद पवार जी अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो आकलन कर रहे हैं कि क्या हमारा ज्यादा नुकसान होगा, अगर हम अलग अलग लड़ते हैं तो हमारी क्या स्थिति है। हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के, जब कोई जहाज डूबने लगता है ना तो सबसे पहले उसमें से चूहे निकल के भागते हैं, तो यही स्थिति इनकी है। मुझे लगता है कि अभी भी शरद पवार जी जो हैं अभी मुझे लगता है कि डूबते हुए कम से कम उस नाव का सहारा नहीं लेंगे। इन दोनों दलों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। और जिसकी चर्चा कर रहे थे हम, इतने दिन शासन चल रहे थे अंजलि जी, आज परिवर्तन का दौर है और सबसे ज्यादा परिवर्तन आप राजनीतिक क्षेत्र में देख सकते हैं। पहले आपने इतने दिन जो शासन किया, लेकिन धर्म और दिनेश जी, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। दिनेश जी, जिस तरीके से विकास की बात करें, दिनेश जी, जिस तरीके से बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने महागठबंधन किया, 6 सीटें बिहार में मिली, उसी तरीके से हो सकता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बीजेपी जी मैं निश्चित तौर पर आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। दिनेश जी, आप ज्यादा मत उत्साहित होइए। देखिए, दो चीजें हैं, जिसके कुशासन के चलते, आरजेडी के कुशासन के चलते नीतीश जी सत्ता में आए हुए थे। राजनीति का अपना भी एक धर्म होता है, राजनीति का एक कायदा होता है। आप पानी पीपी के गाली दे रहे थे और जब से गठबंधन टूटा है तब से उनके मुख्यमंत्री जी का डेली जो स्टेटमेंट आ रहा है कि शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, चूहे खाना कोई बुरी बात नहीं है, चोरी करना कोई बुरी बात नहीं। हमारे से कहना बात है, वो गठबंधन की भी एक, गठबंधन का भी एक धर्म होता है। नहीं दिनेश जी, वो एक अलग बात है, वो बयानबाजी की बात है। हरियाणा में आपको गठबंधन का धर्म निभाया और जो आप कह रहे हैं कि उसका क्या खामियां, जनता वहां पछता रही है और भारतीय जनता पार्टी से कुछ कमियां रही होंगी। मैं तो स्वीकार कर, मैं कांग्रेस पार्टी के पछता नहीं हूँ। क्या आप गलती करिए और स्वीकार,
कुछ गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से जनता ने नहीं हमारा साथ दिया। नुकसान बीजेपी को महाराष्ट्र में अगर हुआ जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस का महागठबंधन, नहीं वो नहीं होने जा रहा अंजलि, उसका कारण है, उसका कारण ये है जनता ने विश्वास किया और जनता ने किया ना, मैंने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अगर कहीं महाराष्ट्र के किसानों ने की है। और आप देखिए कि कृषि मंत्री कौन थे, आप ये भी देखिए ना, चले दुर्गेश, और सबसे ज्यादा सिंचाई घोटाला एनसीपी, अंजलि जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, दिनेश जी को अपनी प्रतिक्रिया रखने दीजिए। जी बोलिए, जो स्थिति बीजेपी की महाराष्ट्र में है वो भी निंदनीय है और उसके ऊपर हमको बहुत बुरा लग रहा है कि उनके पास मुंडे जी के जाने के बाद चार पांच मुख्यमंत्री उम्मीदवार खड़े हो गए, चार पांच लोग बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अच्छी बात है, आज उनके प्रवक्ता ने कह दिया मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जी ने कह दिया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, क्या संदेश जाता है लोगों को आपके यहाँ, आज संदेश क्या जाता है, खड़ा कर दिया और पास नहीं करा पाए, तो अच्छी बात है ना। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमी, दूसरी बात है अध्यक्ष की कमी नहीं है, दूसरी बात है जो शिवसेना ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाल कर दिया है, उसके बाद जनता शिवसेना को क्या महाराष्ट्र पे राज करने देगी, क्या कर दिया उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल, बिल्कुल किया है, हमारी सरकार शिवसेना की सरकार थी, आठ मुंबई का आप जाके देखिए कैसा शहर है, क्या किया आप उसको, संघाई बनाने वाले संघाई का महाराष्ट्र को, बॉम्बे म्युनिसिपल क्या किया है, आदर्श का जिस तरह से घोटाला, एक नेताओं का नाम आ रहा है सामने, विदर्भ में गडकरी जी का नाम आया, दिनेश जी की प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए बिल्कुल दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन करके जो है बिल्कुल लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है राजनीति है। आप दिनेश जी प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का और निर्मल साहब अपनी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दो तीन बातें हैं बुनियादी जिनको समझने की जरूरत है कि आज कांग्रेस एनसीपी में सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह का एक जो है टसल है और निश्चित रूप से ये गठबंधन अब आगे किस रूप में आगे आएगा, कांग्रेस जो की जो फिलहाल जो स्थिति है कांग्रेस और एनसीपी दोनों ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो किस तरफ जाएं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में भी सीट शेयरिंग को लेकर के और एक घमासान मचा हुआ है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, आगे आने वाले दो तीन दिनों में ये चीजें जो है और ज्यादा स्पष्ट होने वाली हैं कि देखिए गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का भी टूटने वाला नहीं है और इसकी भी बमुश्किल ही कोई गुंजाइश है कि एनसीपी और कांग्रेस जो है अलग होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई बीच का एक प्रोग्राम बनेगा और जो आपस में सीटों के तालमेल को लेकर के जो बैठकें हो रही हैं, वरिष्ठ नेताओं की जो बीच जो है बातचीत जो चल रही है वो एक नतीजे पर पहुंचेगी और वो देखना दिलचस्प होगा। वाकई वो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही पार्टियों के बीच कितनी कितनी सीटों पर सहमति बन पाएगी। लेकिन दिनेश जी, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के बीच, हम शिवसेना और बीजेपी के इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, उससे जनता पर क्या मैसेज जाएगा, क्या लगेगा वो जनता जिससे विकास के वादे किए जाते हैं, वो जनता जिससे विकास के नाम पर चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, वो उस तरह की एक अंदरूनी जो तनातनी दोनों ही पार्टियों के बीच है उससे जनता को क्या मैसेज जाना है? जनता को मैसेज है, जनता अभी मैं एक चैनल पे बैठा था, जनता की जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, जनता कह रही है कि देखिए गठबंधन के पहले हम चुनाव में जा रहे हैं, उसके पहले कई चीजें होती हैं, कई प्रत्याशी अपना पक्ष को रखते हैं, सारे लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं, सीधे तौर पर कुर्सी को लेकर कहीं ना कहीं दिनेश जी लड़ाई कहीं कोई लड़ाई, देखिए लड़ाई तब तक है अंजलि जी, स्वाभाविक है, हम कह रहे हैं ना कि जब तक इस तरह से कोई डिक्लेरेशन नहीं होता, देखिए जब बैठकर सहमति बन जाएगी, जो निर्णय हो जाएगा, निर्णय हो जाने के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तब आप कहिए कि लड़ाई है। और एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार 2009 में अगर आप देखिए तो यूपीए को उस समय 38.8 जो है 8-9% वोट मिला था और एनडीए को 35.17% वोट मिला था, मतलब कि 4% वोट की कमी थी यूपीए से एनडीए को, और वहां पर यूपीए सत्ता में आ गई कांग्रेस। आज जो है 16% का अंतर है, 50.2% जो है एनडीए को मिला और यूपीए के 34.1%, जब 3-4% जो है 3.5% से ज्यादा का जब अंतर होता है तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। जब आप सोचिए कि 16% का अंतर हो रहा है, 4 गुने से ज्यादा, तो स्थिति क्या होगी। इसलिए इसका आकलन अच्छी तरह से कांग्रेस के मित्रों को भी पता है और इसका आकलन एनसीपी के नेताओं को पता है कि वहां 0 होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए वहां जो दिक्कत हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है भाजपा और शिवसेना की, और पेट में दर्द हो रहा है हमारे साथी कांग्रेस को, एनसीपी को, क्योंकि जान रहे हैं
कि इस बार दिक्कत होने वाली है, सुपड़ा साफ होने वाला है। अभी दो और चार से संतोष करना पड़ा है हमको लगता है इस चुनाव में, अगर आप देखिए तो जीरो से संतोष करना पड़ेगा। इसलिए वहां की जनता, महाराष्ट्र की जनता बुद्धिजीवी है और अपना फैसला इस बार दिखाएगी। वाकई नुकसान होने वाला है बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन। घमंड नहीं हमारे साथी करें, अभी अभी चुनाव हुआ है, अभी 100 दिन हुए हैं, जनता ने अपना फैसला दिया है ना। इनके खुद के एलआई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो ये हवा चल रही है ये ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। कहाँ है मोदी जी? फिर वही बात, हम कह रहे हैं वहां मोदी जी का सवाल, आप वहां मोदी जी को खड़ा कर देते हैं हर जगह, आप मोदी जी को हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं राज्य का मामला है, राज्य के नेता आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, हम इतना सिर्फ निवेदन कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं उसको विचार विमर्श नहीं कहते हैं। डेनियल जी, जो सरकार केंद्र में काम करती है उसका प्रभाव राज्यों में पड़ता है। शब्द उद्धव जी ने, मैं कह रहा हूँ उसका जो है प्रभाव राज्यों में पड़ता है, उसी का परिणाम रहा है। आप अपने आवधिक के कार्यकाल की तुलना कर लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के सौदी, ये जनता आकलन उसका कर रहा है और अपना निर्णय, जनता जनार्दन है तो जनता ने अपना फैसला सुनाया है, आगे भी जनता अपना फैसला सुना देगी, आपको मानना पड़ेगा। हम कहां करें, हम 19 तारीख के लिए रुकेंगे? आप तो अभी से ही सोच रहे हैं इसके, आपने सरकार बनाई नहीं, नहीं रुकेंगे कि आप उस समय नहीं रुक रहे थे, आपको तो हवा ही नहीं दिखाई दे रही थी, आप तो कह रहे थे कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और आपकी स्थिति ये हो गई डेनियल जी कांग्रेस की कि आज ना तो आप पक्ष में हैं ना तो आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष के लिए आपको लाले पड़ गए, ये स्थिति है। आप पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में भी भारतीय जनता, आप तो कहीं है ही नहीं है। तो इसलिए निवेदन है कि जो आपसे गलतियां हुई हैं उससे सीख लीजिए और सीखने के बाद जो स्थिति आती है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाली स्थिति मत अपनाइए, नहीं तो जीरो जो हमारे यहाँ है सारा कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित, आज ही साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो जाएगा, आज ही साफ हो गया। हरियाणा का यही घमंड हरियाणा में भी दिखाया, घमंड रही है, यही घमंड, घमंड रही, घमंड भाजपा, भाजपा कभी नहीं करती, घमंड कांग्रेस को था। हम निश्चित तौर पर देखिए, हम निश्चित तौर पर उत्साहित हैं कि आप देश, घमंड शब्द भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में, घमंड शब्द जो है वो कांग्रेस की डिक्शनरी में है। हम उत्साहित हैं, जनता ने जो जन समर्थन दिया है उससे हम उत्साहित हैं, निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन घमंड, घमंड आपको हुआ, आपको घमंड हो गया, आपने सारे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपने पार कर दी, आपने सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। आप बीजेपी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ वाले नेता है, क्या भ्रष्टाचार के उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, नहीं आरोप आरो, आरो लगाने वालों का हाल आपने देखा? तो गडकरी जी है, डेनियल जी आपके ऊपर आरोप, डेनियल जी आप इस वक्त मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टियों के गठबंधन को लेकर, तो मैं आप दोनों से ही चाहूंगी कि अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। डेनियल जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दिनेश जी ने कहा कि अभी शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है वो भारी पड़ने वाला है एनसीपी और कांग्रेस पर, वो आने वाली 19 तारीख को पता चलेगा भारी पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। पिछले 30 सालों से शिवसेना बीजेपी का गठबंधन, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन, कांग्रेस के साथ पिछले 15 सालों में और उसके पहले भी कांग्रेस के साथ चुनौती ले चुका है और सिर्फ 30 सालों में एक ही बार सरकार बना चुका है। ओके, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आज की परिस्थिति और उस परिस्थिति में, क्योंकि जो जो कांग्रेस एनसीपी का जो जो बेस है वो जो चैलेंज करने की कोशिश बीजेपी करने वाली है महाराष्ट्र राज्य में, इसका परिणाम दूसरा ही होगा और इसका फायदा हमको होने वाला है। हमने जो हमारा शासन दिया है, जो हमारा ऑर्गेनिक बेस है, उसके हिसाब से, उसके भरोसे पर हम ये चुनाव लड़ेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि महाराष्ट्र में बहुत साफ है और उन्होंने काम अच्छा किया है। हम ऐसे जो और जो काम लोगों को समझ में आ जाएगा, वो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि हवा चल रही है। और महाराष्ट्र एक वेव स्टेट बिल्कुल नहीं है कि जहां पे हवा चलती है और ऐसा होता है वैसा। महाराष्ट्र राज्य में हवाएं पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अंजलि जी, अच्छी बात है कि इनको एहसास ना हो हवा को। लोकसभा चुनाव में भी इनको हवा का एहसास नहीं था, आज भी नहीं है। अगर आपको एहसास होता तो आप कुछ बचने के उपाय करते, आपको लगता कि आंधी आने वाली है डेनियल साहब को, तो आप कोई ना कोई व्यवस्था करते, आपके पीछे आप खड़े देश में देश में मोदी की हवा थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है जो हवा कर रहे हैं वहां पर? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आपके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है जो हवा की बात कर रहे हैं? समर्थन नहीं कर रहा हूँ हिंसा का, लेकिन पढ़ रहे तो जनता अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। और आप जो चर्चा, किसने हवा बनाई है वहां पे? सुनिए डेनियल जी, आप चर्चा कर रहे थे, आरोप लग गया था आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपकी लिमिटेड कंपनी की सीएमडी है उनके ऊपर हेराल्ड घोटाले का, आपके वाइस प्रेसिडेंट
जो उनके नीचे के ऊपर क्या आरोप है वो देख लीजिए ना आप उनके ऊपर क्या आरोप से भरी हो गए। कम कम शांत रहिए आप, अध्ययन करिए। सुप्रीम कोर्ट अभी आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में आपको नोटिस हुई है, पेश होने के लिए कहा गया। नोटिस होने से कोई क्या अक्यूज नहीं बन जाता? आप दूसरे को बना देते हैं। जब अपने पे बात आती है, जब अपने पे बात आती तो आप अमित शाह को कोर्ट ने बोला है कि आप 22 तारीख से कोर्ट में हाजिर हो जाइए। आपको भी बोला गया? क्यों नहीं बोला? बिल्कुल हाजिर होंगे लोग। मामले में उनको बोला है कि 22 तारीख से आप कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ भी बहुत जांच, दुनिया में जितनी जांच थी आप संभव था वो सारा आपने करा लिया। और सोना जो है ना तपकर और कुंदन होकर निकला है, चमकीला होकर निकला है, और देश की जनता ने उसको स्वीकार किया है। इसी तरह से हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में भी होने जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, वहां से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है और वहां भी आप कमल खिलेगा। आप देखिएगा, आपका सारा ये जो घमंड है ना, वहां की जनता, भारतीय जनता पार्टी जनता। दुर्गेश जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। दावे किए जा रहे हैं या दिनेश जी की ओर से, और जो डेनियर जी हैं वो कह रहे हैं लगातार कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, दिनेश जी कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, जैसा कि एक ट्रेंड रहा है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन जो है काबिज है, और अभी उनकी जो बैठकें हो रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। हाँ, इतना निश्चित रूप से थोड़ा सा मैं दिनेश जी से सहमत हूं कि केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से गाजे बाजे से बनी है और एक जन समर्थन मिला है, लेकिन यहाँ हमको एक बात याद रखनी होगी कि जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, और जैसा कि डेनियल साहब कह भी रहे थे कि महाराष्ट्र जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेट है, वहां पर चीजों को समझने के लिए वहां के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे इस चुनाव में। तो अब आगे चल करके देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी कुछ भी कह पाना प्रवक्ता होने के नाते इन दोनों लोगों के लिए आसान है, लेकिन अगर एक आप समीक्षक के तौर पर मुझसे ये सवाल का जवाब चाहेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा हमको रुक करके देखना पड़ेगा कि आखिर जो है उस ऊंट जो है किस करवट बैठता है। जी, एक चावल को देखिए, पूरे चावल को हांडी के पूरे चावल के को टटोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक चावल जब आप छूकर देख लेते हैं तो एहसास हो जाता है कि चावल पक गया है कि नहीं। अभी लोकसभा चुनाव में आपने चावल को टच करके देख लिया है, इसलिए इस आधार पे हम अभी डेनियल साहब कह रहे थे कि बोझ उठा पाएंगे, लेकिन आप बोझ उठाना, बोझ कितना बड़ा है उसको देखकर उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है कि चलिए थोड़ी हम एक्सरसाइज अपनी और बढ़ा दें। अच्छी बात है कि कम से कम आपको बोझ नहीं दिखाई दे रहा है, आप तैयारी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बोझ दिखाई दे रहा है वो तैयारी अपनी उसी अनुरूप से कर रही है। और हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम आज से तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जैसे ही लोकसभा चुनाव हमारा खत्म हुआ वैसे हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं नहीं कहीं चुनाव हम लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता का जो समर्थन है, मुझे लगता है अभी फिलहाल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। चलिए दिनेश जी, भविष्य में देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन आखिर किसके पक्ष में फैसला लेती है, बीजेपी को सत्ता पर काबिज करती है या फिर कांग्रेस को फिर से महाराष्ट्र की कुर्सी मिलने वाली है। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम में सिर्फ इतना है, लेकिन दर्शकों के लिए आज का सवाल। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट जाएगा? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो चले अब हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कल पूछे गए सवाल का जवाब। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हिंदी में अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाओं का घालमेल है, और लोगों की राय 20% लोगों का जवाब हां जबकि 80% लोगों का जवाब नहीं है। तो इसके साथ इस प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।